आजकल के बच्चे तो गाना गाते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, लो इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते, चरित्रवान नहीं बना पाते। इसलिए बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री धारी तो हैं, पर चरित्र नहीं। हम सबके लिए नहीं कहते, पर कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर चरित्र नहीं है। चरित्र गवा कर डिग्रियां पा भी ली तो न डिग्रियों का करोगे क्या? सबसे बड़ी डिग्री तो चरित्र ही है, आपका कैरेक्टर ही है। चरित्र ही नहीं है आपके पास तो डिग्रियों का क्या करेंगे बताओ? राम जी के पास डिग्री थी या चरित्र था, बोलो? राम जी के पास चरित्र ऐसा था कि आज तक उनकी डिग्री नहीं सुनी जाती। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। हाँ, तो राम जी का क्या सुना जाता है? चरित्र। इस संसार में चरित्रवानों का ही चरित्र सुना जाता है, और चरित्रवानों के चरित्र को सुनकर लोगों का चरित्र सवरता। इसलिए आप अपने बच्चों को एक क्लास कम पढ़ाना भले, पर चरित्र ज्यादा पढ़ाना, चरित्रवान ज्यादा बना। बेटा चरित्रवान बनो। पैसा सब कुछ नहीं होता, आजकल तो पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। चरित्र गवा कर भी लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे पैसे का क्या करोगे भैया? तो कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियः, द्युतम पानम स्त्रियः सूना मांस। कलयुग का चौथा स्थान है हिंसा। जब आप मांस खाते हैं तो हत्या करनी पड़ेगी, बकरे को, मछली को, मुर्गे को मारना पड़ेगा। तो किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए करना गलत है, इसलिए ये पाप है, और ये पाप से बचो, मांस ना खाओ। आप में से कोई मांस खाता है क्या? कोई नहीं। अच्छा, खाते भी होंगे तो बताएंगे थोड़ी। हमें भले ना बताओ, पर उन्हें तो पता ही है ना। हम जान भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, पर जिन्हें जानना है वो तो जानते ही हैं, उनसे तो छिपाया भी नहीं जा सकता। इसलिए झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे